जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके सपने बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मूल मंत्र में। जी हाँ, एक ऐसा मूल मंत्र जो आपकी परेशानियों को समझता है और उन पर कार्य करता है, जो आपकी परेशानियों को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करता है, जो आपकी परेशानियों की वजह से हो रहे आपके विचारों को बदलता है, आपके जो नकारात्मक विचार परेशानियों की वजह से आपके मन में आते हैं उनको बदलता है, उसे पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है। क्या है आज का मूल मंत्र जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो मूल मंत्र है वो उन व्यक्तियों को समर्पित है जो कहीं ना कहीं धन की कमी से जूझ रहे हैं, जीवन में अकारण ही दुख बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो कमाते हैं सब डॉक्टरों के यहां चला जाता है, धन की कमी, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी या कोई रोग घर में किसी को है। अगर आप भी इनमें से कोई एक परिस्थिति का सामना या सारी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं या आपको करना पड़ रहा है, तो आज का मूल मंत्र आपको ही समर्पित है। अंत तक ये वीडियो देखिए, आपकी परेशानियों में कमी आ जाएगी शायद। क्या है आज का मूल मंत्र जानेंगे, उससे पहले आपको बता दें आगामी 23 और 24 अक्टूबर जयपुर में रहेंगे। जो लोग जयपुर से हैं या जयपुर के आसपास से हैं उनके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है मुलाकात करने का, मिलने का, वो लोग जयपुर में मुलाकात कर सकते हैं 23 और 24 अक्टूबर 2021। अगर आप भी मिलना चाहते हैं जयपुर में तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है आज का मूल मंत्र, वो तो मैंने बताया किन लोगों को समर्पित है, क्या उपाय करना है, मूल मंत्र आखिर क्या है आज का, क्या करना है आपको। मंगलवार की रात शुद्ध देसी घी, अगर गाय का घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, गाय का ना मिले तो शुद्ध देसी घी मिल जाए, लेकिन गाय का मिल जाएगा तो सबसे अच्छा होता है। उस घी में हनुमानी सिंदूर, जो ऑरेंज कलर वाला सिंदूर होता है, हनुमानी सिंदूर वो आप मिला लें, ठीक है, और हनुमान जी को उसका लेप लगाएं। ये कार्य मंगलवार की रात को करना है, रात को 10 से 12 के बीच में करें तो बेस्ट होगा। ये लेप लगा दें हनुमान जी को, अपने हाथों से लगाएं, पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी। दूसरा, सरसों के तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, संकट दूर हो जाएगा और धन प्राप्ति भी हो जाएगी, यदि बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो एक नारियल ले लें और उस पर कामिया सिंदूर, कामिया सिंदूर थोड़ा सामान्य सिंदूर से अलग होता है, जो कामिया सिंदूर होता है मौली अक्षत, वो तीन चीज ले लें, कामिया सिंदूर, मौली और अक्षत, और नारियल ले लें चौथी चीज, और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अक्षत से पूजा कर लें, ठीक है, चावल से पूजा करें और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं, साथ में अगर संभव है हनुमान जी को गुड़ का भोग भी लगा दें, गुड़ बाद में गाय को खिला दें, धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। रोग अगर घर में किसी को घेरे हुए हैं, किसी की बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, दवाएं असर नहीं कर रही हैं तो करना शुरू कर देंगी, कर्जे बढ़ते जाने तो कम हो जाएंगे, पैसा नहीं आ रहा तो पैसे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। यह है आज का मूल मंत्र, बहुत दिव्य रिसर्च, बहुत शोध के बाद ये मूल मंत्र हम आप तक पहुंचाते हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद, किस लिए, ताकि आप लोग लाभान्वित हो सकें। तो छोटे छोटे उपाय करिएगा, आपके जीवन में थोड़ी सुगमता आ जाएगी, थोड़ी सरलता आ जाएगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद जरूर हमें बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।